हेलो दोस्त, बीएमआरसी रिजल्ट 12/6/2018 के बाद एलएमआरसी रिजल्ट 13/6/2018 फॉर जेई इलेक्ट्रिकल NE04 और मेंटेनर SMT NE11। तो आप कह सकते हैं कि रिजल्टों का त्योहार है और सारे रिजल्ट वन बाय वन आ रहे हैं। तो यहां आपको बताना चाहूंगा कि जेई इलेक्ट्रिकल के बारे में, इसमें 35 पोस्ट टोटल थी वैकेंसी, और इसके लिए आपका वेरिफिकेशन का डेट जो दिया है इन्होंने 27/6/2018 को दिया है। उसके बाद आपका मेंटेनर SMT का जो वैकेंसी था उसमें 28 पोस्ट है और इसके लिए वेरिफिकेशन डेट है 28/6/2018। तो यहाँ हम ये दोनों पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेडिकल सीयूटी बॉन्ड और इसके बाद ज्वाइनिंग कितने दिन में हो जाएगी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो इसमें भारतीय रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को आप सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव PLP चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मेडिकल स्टैंडर्ड में जेई की बात करेंगे, तो जेई में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, जिसके लिए आई साइज जो डिस्टेंस विजन होता है वो डिफरेंस है 6/9 और लेंस की मैक्सिमम पावर 2D है, यहाँ तक आपको अलाउ है। तो जेई में फिर उसके बाद मेंटेनर SMT की बात करेंगे, जिसमें लेंस की पावर आपका 4D अलाउ है और आई साइड में 6/9 6/12 विथ और विदाउट ग्लास अलाउ है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ सबसे पहले आपको मार्कशीट लेना है जो 10वीं का है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होगा। उसके बाद आपका ITI या आपका जेई के लिए डिप्लोमा या डिग्री है वो लेना है। साथ में इसके 3 फोटोकॉपी आपको लेना है और ये जो डिग्री आपकी होगी वो 27/3/2018 से पहले की पब्लिक डोमेन में रिजल्ट होनी चाहिए। साथ में आप इसके साथ आप फोटो ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकता है आपको मेडिकल का मेमो कटेगा वहां पे आपकी फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो 3 से 4 आप फोटोग्राफ ले लीजिएगा। और इसके बाद जो कैटेगरी वाले हैं SC ST उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, OBC के होंगे तो उनके लिए न्यूनतम OBC सर्टिफिकेट चाहिए, ये लेके आपको जाना चाहिए। टॉपिक है कि सीयूटी बॉन्ड कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम जेई से बात करते हैं, तो जेई में आपका जो सीयूटी बॉन्ड है 1.5 लाख प्लस GST प्लस 30,000 ट्रेनिंग कॉस्ट, उसके लिए भी GST आपको देना होगा। मेंटेनर की बात करेंगे तो मेंटेनर में आपको 75,000 प्लस GST प्लस आपका 20,000 ट्रेनिंग कॉस्ट, उसके भी GST देना होगा। और इसके बाद जो मेडिकली फिट हो जाएंगे, टेस्ट मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हो सकता है 1 वीक तक टाइम लगे, लेकिन जनरली जल्दी ही होता है। कई बार किसी की कंडीशन में 1 से 2 मंथ भी लग सकता है, लेकिन जनरली नॉर्मल केस में जल्दी हो जाता है। तो आपको तैयार रहना चाहिए मेडिकली, जिनका जिनका कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो उन्हें ज्वाइनिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।